गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। ठीक है, चलिए, रेलवे ने क्या नई नोटिस जारी किया उसके बारे में हम अभी के अभी बताएंगे और उस नोटिस को भी दिखाएंगे। टेलीग्राम पे नोटिस सेंड भी कर देंगे, अभी आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए। पूरे नोटिस का निचोड़ और समझा कर मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए। और जो लोग भी नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिस आए और सटीक, सबसे सटीक आपको मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपको नोटिस पे ले चलते हैं क्या जारी किया है रेलवे ने। देखिए, यही है आप लोगों का नोटिस। हम भी कहें कि अभी तक रेलवे जारी क्यों नहीं किया, सब जगह कोरोना का कहर है तो यहाँ पे कब दिखेगा कहर कोरोना का। ठीक है, तो यहाँ पे भी लास्ट में दिखने ही लगा आप लोगों को। देखिए, पूरा नोटिस है और इस नोटिस का क्या है, कैसे है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। और जान लीजिए कि जो कोरिजेंडम का क्या अर्थ होता है। कोरिजेंडम का अर्थ होता है कि शोध पत्र, मतलब कि जो संशोधन करके किसी भी चीज़ का गलती कर दिया गया हो या तो कोई भी डेट जारी किया हो उसके संशोधन में कोई दूसरा डेट जारी करना, उसे ही कोरिजेंडम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोविड-19 की बात की गई है। कई दिन का जो लॉकडाउन चल रहा है उसी के बारे में बताया जा रहा है। जो ECA कैटेगरी थी आपका, इंगेजिंग एग्जाम कैटेगरी, कंडक्टिंग जो था एजेंसी थी आपको ECA, उसका टेंडर जारी होने वाला था कि किस कंपनी, कौन सी जो संस्था है करवाएगी NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम। लेकिन उसका डेट था कि हाँ, तीन पहले तो 7 तारीख से था, फिर 14 तारीख से था कि यहाँ से आप जो टेंडर है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा कोविड-19 की वजह से 21 दिन का जो लॉकडाउन है उसकी वजह से डिले हो चुका है। और इसमें मेंशन किया गया है कि अभी तक ये नहीं कंफर्म है कि कब तक ये फिर से होगा। क्यों नहीं कंफर्म है, क्योंकि पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा। इसीलिए देखिए, IREP जो इसका वेबसाइट है इसी पे पता चलेगा और इसी पे ही अनाउंस किया जाएगा कि हमारा कब से टेंडर कैसे होगा डिसाइड। और ये प्रीबिट जो कॉन्फ्रेंस है, कहें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, या तो हम ऐसा कोई मीटिंग ऐसे रखेंगे जब कुछ सही हो जाएगा ताकि हम लोग जो भी एजेंसी को हायर कर सकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हायर कर सकते हैं या तो वैसे भी हायर कर सकते हैं। और ये कब तक चलेगा कोई कंफर्म नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। हाँ, ये जान लीजिए, जब इसका ही नहीं, जब ECA का ही नहीं अभी तक अपडेट है, कोई कन्फर्मेशन है, तो एग्जाम डेट में मान लीजिए कि इसके जब ये कन्फर्मेशन आएगा, मैं आपको बताऊंगा न्यूज कब आएगा, और जैसे ही आएगा उसके 3 से 4 महीने बाद रख के चलिए एग्जाम डेट। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और NTPC का यहीं पे उतना दूर है एग्जाम। ठीक, अब देखिए लॉकडाउन की वजह से सब कुछ नहीं, तो 14 तारीख को होने वाला था इन लोगों का, अपने एजेंसी का वहाँ पे फॉर्म भरने वाला था। अब ये सब है आपका, ख़त्म हो गया है। इसकी वजह से देखिए 4 तारीख का न्यूज है। और कौन जारी किया है, RRB के चेयरमैन चेन्नई के लिए। ठीक, ये टेंडर के बारे में इसमें बताया गया है, यही सब था। अभी मैं इसको भेज दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए वहाँ पे टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में, हाँ टेलीग्राम में एक और बड़ी न्यूज है कि मैं 2019 में जो प्रमुख प्रमुख पेपर हुए थे, मैं उसका पेपर और विथ सॉल्यूशन उसको सेंड कर दिया हूँ जाके। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम से जुड़ के, जाके ले लीजिए वहाँ से। ठीक है, और पूरा सॉल्व कर डालिए। जो है 19 में जितने भी पेपर हुए हैं PCS, इवन PCS तक, पूरे के पूरे आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, और हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अब जो है क्या किया जाए, अब क्योंकि लॉकडाउन है, हो सकता है बढ़ भी जा सकता है लॉकडाउन, नहीं बढ़ेगा भी, तो देखिए कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। ठीक, बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सब में, ताकि जो न्यूज़ है सब पे पहुंच जाए। ठीक, ये तो बुरी खबर थी, क्या किया जाए अब। ठीक है ना, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।